तो नेक्स्ट वीक में कर ले। आपको पता है कि इस हज के ऊपर जो साफियों पे खर्चा आया है 7 लाख रियाल से ज्यादा का, अभी तक उसकी अदायगी नहीं हुई और वजारत दाखिला से कहा जा रहा है कि जिन साफियों ने हज किया उनसे वसूली की जाए। तो अब आप कैसे महसूस करती हैं पीआईए के ऊपर आप लोग स्टोरीज करते हैं पीआईए की करप्शन के ऊपर, लेकिन पीआईए का किराया तक आप लोग अदा नहीं करते, मुफ्त की सवारी करते हैं, हज करते हैं और फिर आप कहते हैं मुझे कोई एतराज नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। बार बार ये बात कहूंगी कि अगर मैंने प्लॉट लिए हैं तो मैं जरूर उसके ऊपर। अच्छा, प्लॉट लेना गलत है? बिल्कुल गलत। हज करना जायज है? बिल्कुल जायज। सरकारी पैसे, आवाम के पैसे, जो सैलाब के मुतासरीन है उनको एक एक रुपए को तरस रहे हैं और आप जो है लाखों रुपए का हज कर जाए। इसलिए मुफ्त में ना, मैं बिल्कुल, मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि आप अपने जाती पैसे क्यों नहीं लगा। अगर आप मुझे बात करने की इजाजत दें तो आप मुझे, मैं आपको ये एक्सप्लेन जरूर करना चाहती हूँ कि मैं आपसे बार बार ये बात कह रही हूँ कि अगर मुझे ये इल्म होता कि ये इस तरह है तो मैं शायद अवॉइड करती हूँ। सर्कमस्टांसेस नहीं, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मुझे इसका इतना इल्म नहीं था कि ये हुआ। मैं बाद में आपको ये कह रही हूँ कि शायद मैंने बाद की बात करी। बड़े एंकर्स में से एक एंकर हैं जो लाखों में तनख्वाह लेती हैं, तो एक गरीब आदमी के पैसे पे आप हज कैसे करते? मुझे मतलब ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आप इसको इतना पोलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ये भी कोई एजेंडा है, बट इवन दैट ये तो आपने सियासतदानों वाला जवाब दिया जो आपको सियासतदान कहते हैं ना। ये बिल्कुल एक वो है, अगर मैं, अगर मुझे कहते हैं कि वो पैसे दे, मैं पैसे देने को तैयार हूँ सच के भाई, क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब मैंने देखा आपने क्यों नहीं कि लिस्ट में, अच्छा आप उन लोगों को, मैं आप उन लोगों के से सवाल कर रहे हैं जो कि हर जगह वजीर आजम और बाकी लोगों के साथ तैयारी पे सवार होकर जाते हैं, काश आप उन पे भी सवाल करते, इसलिए कि आप लोग खुद उसमें शामिल हैं इसलिए आप उस पर सवाल नहीं करेंगे। आप काश उन पे भी सवाल करते जो कि प्लॉट लेते हैं, काश आप उन पे भी सवाल करते जो कि एजेंसियों और पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन है, काश आप उन पे भी सवाल करते क्योंकि वो बड़ा क्राइम करते हैं। इस क्राइम की सजा मैं भुगतने को तैयार हूँ। ऐसा हो रहा है? बिल्कुल। आप इस बात की गवाही देती हैं कि साफी काम कर रहे हैं? क्या आप नहीं देते? आप इस बात की गवाही देती हैं? क्या आप नहीं देते? आप नाम लेंगी ऐसे साफियों का? मैं बिल्कुल नहीं। जो ऐसा करते हैं? मैं बिल्कुल नहीं। सियासतदानों से आप जवाब मांगती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी इस बात की, इसलिए कि मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ। लेकिन आप जवाब तो देने का, जवाब दे रही हूँ आप आम लोगों को। मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, ना मैं पढ़ूंगी, बट क्या हम में काली भेड़े मौजूद नहीं है? मैं ये जरूर मती कहूंगी कि सर काली भेड़ है। देखिए, मैं ये जरूर कहूंगी कि जो ये हुआ, ये हज हुआ, मैं इस पे बिल्कुल, उसके बाद मैं गई भी नहीं, हालांकि मुझे कहा गया अगले साल में, मैं नहीं गई। मैं ठीक है, मैं मुझे नहीं जाना। आपके अहले खाना में से भी कोई गया था? बिल्कुल नहीं गया। मैं जाना भी नहीं चाहता। नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड गए थे, बिल्कुल गए थे। वी बोथ आर जर्नलिस्ट, हम उसके लिए पे करने को तैयार है, एंड वी आर पेइंग दिस प्राइस कि पूरी जिंदगी की मेहनत, पूरी जिंदगी की इज्जत, अगर इस के ऊपर आके आपको समझते हैं तो मैं अब यस, मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आसमा ने दूसरे दोस्त